वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से बहुत इजी स्टेप्स के साथ इस तरह का शेडो रिफ्लेक्शन इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 1920x1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है। इसकी रेजोल्यूशन मैंने 150 रखी है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा है। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा, हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से मोडी नॉन कमर्शियल के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पर 150 टाइप करूँगा, बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वाइट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं शेडो ही टाइप करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एस प्रेस करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मूव टूल पे रहते हुए इसको मैं यूँ ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर रखूँगा। मुझे इसके 6 कॉपीज़ बनानी है क्योंकि शेडो में 6 करेक्टर्स आते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से 5 दफ़ा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसकी 6 कॉपीज़ बना लेंगे। आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एस है तो मैं इसका नाम एस रख लेता हूँ और ये एच रखेंगे। इसी तरह अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं या जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसका लास्ट वाले का नाम ओ रख लेता हूँ। सबसे पहले हम एस को सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और इसको यूँ लेफ्ट पे ले आइएगा इस तरह से। इसी तरह एच को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यूँ ड्रैग करेंगे, टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर इसको एस को एच में चेंज करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको भी ड्रैग करते हुए इस तरह से इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। थर्ड वाले को सेलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इस पर मुझे ए टाइप करना है, फिर से एंटर कीजिएगा और इसको भी यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरह से तमाम करेक्टर्स को एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से मैं एस को सिलेक्ट करता हूँ जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिएगा, हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ग्रेडियंट के इस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बेसिक्स में आने के बाद ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। और इस वाले कॉर्नर से करेक्टर के यूँ ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस रखिएगा, इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस मास्क पर। ये देखिए मास्क पर ग्रेडियंट आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकेंड वाली करेक्टर को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेयर मास्क ऐड करते हैं। सेम उसी तरह रिपीट करेंगे, इस पर भी अप्लाई करेंगे। इसी तरह मैं ए पर भी लेयर मास्क ऐड करूँगा और इस वाले कॉर्नर से यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ लेफ्ट तक लेके आएंगे और तमाम पे आप इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। इस तरह से तमाम करेक्टर्स के मास्क पर इस तरह ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अब हम इनको ओवरलैप करेंगे। इससे पहले यहाँ से मुझे इस लेयर का नाम चेंज करना है। ये देखिए इसको मुझे ओ करना है और इसको मुझे डब्ल्यू करना है। इनका नाम गलत टाइप हो गया था, यहाँ से मैं इसको ओ टाइप करूँगा और इसको मैं डब्ल्यू टाइप करूँगा। अब हम इनको ओवरलैप करेंगे। सबसे पहले मैं एच को सेलेक्ट करता हूँ और मूव टूल पर रहते हुए ये देखिए इसको यूँ ड्रैग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ओवरलैप कर लीजिएगा, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर रखता हूँ। इसके बाद नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे यानी ए वाले करेक्टर को और इसको भी यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आऊँगा। इस तरह डी को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप तमाम को ओवरलैप कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ओवरलैप कर लिया। यूँ ओवरलैप कर लेने के बाद अब आप इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए। शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसका एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद मुझे इसे रीसाइज़ करना है, यानी इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इस तरह से शिफ्ट प्रेस करते हुए
इसको ऑलमोस्ट आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी बड़ा करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं इसको इतना रखता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको सेंट्रलाइज भी करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और ग्रुप को भी सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा 3D लुक देंगे। इसके लिए हम इसी ग्रुप पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसके स्टाइल में इनर बेवल रखेंगे, टेक्निक में आप यहाँ पर स्मूथ रखिएगा। डेप्थ को यहाँ इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ पर 44 टाइप करता हूँ। डायरेक्शन अप रखेंगे और साइज़ को यहाँ पर 23 के आसपास टाइप करेंगे। आप इनके साइजेस और डेप्थ को कम या ज़्यादा करते हुए इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं डेप्थ को ज़्यादा करता हूँ तो आप इसके एजेस देख सकते हैं। आप ये वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 34 टाइप करूँगा। सॉफ्ट एंड 0 रखेंगे, एंगल को 120 डिग्री और एल्टीट्यूड 45 डिग्री रखेंगे और यूज़ ग्लोबल लाइट को आप यहाँ पर अनचेक रखिएगा। ग्लास कॉन्टूर में यहाँ से मैं सेकेंड वाला कोन सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाईलाइट मोड में स्क्रीन और कलर वाइट रखेंगे, ओपेसिटी 50%। शेडो मोड में मल्टीप्लाई और कलर इसका ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ पर 70 टाइप करता हूँ। आप इसकी ओपेसिटी भी अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट स्टेप में हम इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी ग्रुप की एक और कॉपी बना लीजिएगा। इस कॉपी का नाम मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन टाइप करूँगा और यहाँ से एंटर कर देंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इस पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर दीजिएगा और मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और बिल्कुल यहाँ नीचे इसके एजेस के पास रखते हुए इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को 25 टाइप करता हूँ। आप इसको भी अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से फिर से जी प्रेस कीजिएगा। हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले आप इस पर भी लेयर मास्क ऐड करेंगे। यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब आप अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिएगा, ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, सेम वही प्रोसेस है। आपका बेसिक्स में ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट होना चाहिए, लीनियर सेलेक्ट रखेंगे और ओपेसिटी 100%। और ये देखिए, यहाँ से इस वाले कॉर्नर से यूँ ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ तक रखेंगे और यहाँ लाने के बाद माउस को रिलीज़ कर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है और आपका शेडो यहाँ पर दिखने लगा है। लास्ट स्टेप में आप इनको सेंट्रलाइज कीजिएगा, दोनों ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए और मूव टूल पे रहते हुए आप इसको इस तरह से मैन्युअली सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी आप इसको सेंट्रलाइज कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट पर यह शेडो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है और आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होगा। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये इजी ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।